बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोढ़ी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि भारत के अंदर जो डॉक्टर का पैसा होता है उसको हमेशा से ही भगवान का रूप दिया गया है। कोरोना वायरस के आने के बाद यहाँ पर इनको कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स के नाम से इनको सम्मान दिया जा रहा है। पूरे देश भर में लोग, जितने भी डॉक्टर्स, मेडिकल स्वास्थ्य कर्मी है, उन लोगों को पूरा समर्थन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी उनके समर्थन में बहुत कुछ किया है, थाली भिजवाई है, और इसके अलावा आपको बता दें कि फूल उन पर बरसाए गए हैं। लेकिन जब एक डॉक्टर के द्वारा जो मरीज है उनको आतंकवादी कहकर बुलाया जाए, तो फिर जो पूरा पैसा है उस पर भी सवाल खड़े किया जाता है, और इस तरीके के मानसिक जो गणित लोग हैं उन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो पेशेंट के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं, जो धर्म जाति के आधार पर देखकर इलाज करते हैं, क्या ये डॉक्टर कहलाने के लायक भी है। मैं बात आपको कर रहा हूँ लखनऊ की, जो सॉरी कानपुर मेडिकल कॉलेज है उसकी एक डॉक्टर है जिसका नाम आपको बता दें कि आरती लाल चंदानी है। उनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, और इस वीडियो के अंदर आरती लाल चंदानी कहती दिखाई दे रही है कि जितने भी कोरोना वायरस के पेशेंट हैं ये सारे आतंकवादी हैं, सरकार इन पर जो है वो पैसा बिना वजह बर्बाद करने पर लगी हुई है, ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। इस वीडियो के काफी ज्यादा वायरल होने के बाद अब आरती लाल चंदानी भी पहले इस वीडियो को फेक बता रही थी, लेकिन अब वो मुस्लिम समाज के एक धर्म गुरु के साथ बैठकर ये कह रही है कि मेरे से गलती हुई, मैं इस घटनाक्रम पर माफी मांगती हूँ। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस मामले को लेकर खेद जताया और साथ कहा कि इस तरीके के डॉक्टर्स को जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि इस मामले के अंदर उनको गिरफ्तार करके जेल में भरना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मांग करते हुए कहा गया है कि कोरोना वायरस के मरीजों को आतंकवादी कहने वाली डॉक्टर, कानपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर आरती लाल चंदानी को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई के तहत वो किया जाए। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के अमरोहा से सांसद कुंवर दानिश अली ने यूपी के मुख्यमंत्री और मेडिकल जो काउंसिल है उसके साथ साथ यूपी के डीजीपी से मांग की है कि इस घटनाक्रम पर मांग करें। इधर आपको बता दें कि आरती लाल चंदानी का ये वीडियो सोशल साइट पर काफी ज्यादा वायरल होने के बाद उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि उनका ये वीडियो फर्जी है। दोबारा उन्होंने एक वीडियो और डालकर कहा है कि वो इस पर अपने पूरी तरीके से खेद जताती है। लेकिन आपको बता दें कि इस तरीके का एक पेशेवर डॉक्टर अगर इस तरीके की बातें करता है तो उससे साफ देखा जा सकता है कि उसके मन में एक धर्म विशेष, जाति विशेष के खिलाफ कितना जहर भरा हुआ है। ऐसे लोगों पर बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई करके जेल में भेजा जाए। मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।